द एजुकेशन कमेटी ऑफ द महेश्वरी समाज जयपुर द्वारा 21-22 अक्टूबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में द्विदिवस तक आयोजित हुआ एकेडमी वर्ल्ड एजुफेयर 2024 अनेक उपलब्धि पूर्व स्टार कवित्री अनामिका जैन अमर की उत्साह और चेतना से भरी कविताओं और उनके प्रेरक उद्बोधन के साथ संपन्न हुआ। वही कई विषयों पर करीब 8,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ करियर निर्माण को लेकर विशेष संवाद किया गया। द्विदिवसीय करियर फेयर 2024 कई विशेष उपलब्धियों से भरा रहा, जिसके अंतर्गत दो दिनों में अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ 80 से ज्यादा स्पीकर्स द्वारा 75 से अधिक सत्रों में करियर निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। देशभर में 50 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने करियर फेयर में सम्मिलित होकर 15,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रमों की जानकारी से अवगत कराया। समापन समारोह के अवसर पर आमंत्रित अतिथियों के साथ ECMS के अध्यक्ष केदार मलभाला, महासचिव शिक्षा श्री मधुसूदन बिहारी, कोषाध्यक्ष CA अनिल शारदा, कन्वीनर CA गणेश बांगड़, को कन्वीनर अजय शारदा तथा एजुफेयर 2024 की कोऑर्डिनेटर रीटा भार्गव की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति दी गई। सम्मानित अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में सादर आमंत्रित स्टार कवियत्री स्टार अनामिका जैन अंबर ने समाज, राष्ट्र, नारी सम्मान, करियर निर्माण और अन्य जागरूकता से जुड़े विषयों पर मन छूने वाली कविताओं की प्रस्तुति देकर संपूर्ण कार्यक्रम को एक विशेष चेतना और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किया। ECMS द्वारा आयोजित एकेडमी ऑफ वर्ल्ड एडुफेयर वर्जन 6 का आज समापन समारोह इस समय RIC के मेन ऑडिटोरियम में चल रहा है। इस कार्यक्रम की कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर अनामिका जैन अंबर, जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताओं के माध्यम से लोगों में ऊर्जा का संचार करती हैं। आज हम उन्हें अपने बीच पा करके बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं कि वीर भूमि वसुंधरा, हमारी यशोभूमि राजस्थान पर उत्तर प्रदेश की बेटी अपनी कविताओं का पाठ कर रही हैं, और इससे सुंदर समापन और कुछ हो नहीं सकता कि बच्चों को एक कवि मन प्रेरित करे और बच्चों को अपने कौशल को पहचानने हेतु प्रेरित करे, जिससे बच्चे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के उत्कृष्ट भारत की परिकल्पना को साकार कर सकें। हम इस एडुफेयर का समापन समारोह करते हुए हमें एक संतुष्टि भी है कि हमने जितने बच्चों को यहाँ पर जो भी मार्गदर्शन देना था, उस मार्गदर्शन को 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन के साथ देने में हम कामयाब रहे। हमारे पास में 80 से ज़्यादा स्पीकर्स जो है वो विभिन्न सेशंस में पैनल डिस्कशंस के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन कर सके। हमारे स्पेशल काउंसलर्स जो हैं वो बच्चों को उनके मार्गदर्शन हेतु उनके पेरेंट्स के साथ में अलग अलग तरीके से लेकर के बैठे, और बच्चों को उन्होंने इसमें सहायता की कि आप आगे सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें, आप आगे अपने करियर की जो दिशा है उसको निर्धारित कैसे करें। हमने अपने कुछ बच्चों की जो एग्जीबिशन लगाई हमारे क्लासेस 9th और 10th के स्टूडेंट्स की, उस एग्जीबिशन में भी आज जजमेंट होने के बाद में हमने सभी बच्चों को पुरस्कृत किया। इसमें हमारे जो छोटे बच्चे संस्कृति MPS संस्कृति के बच्चे हमारे बीच में रहे, उनके जो प्रयास रहे वो बहुत सराहनीय रहे, उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक रहा। अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में उन्होंने सबका मन मोह लिया। हमारे बच्चों ने इसके साथ साथ बाहर गार्डन एरिया में म्यूजिकल परफॉर्मेंस के जरिए भी बिल्कुल दर्शकों को बांधे रखा। दूसरे स्कूल के जो बच्चे आए थे उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज़ दिए, अपना यूनिवर्सिटी फेयर जो है उसको विज़िट किया, एग्जीबिशन को विज़िट किया, और संग में म्यूज़िक के इस प्रोग्राम को भी उन्होंने इंजॉय किया। हम इस आयोजन के को सफल बनाने में हमने जो अथक प्रयास किए उसके लिए हम हर एजेंसी का धन्यवाद अदा करते हैं, और ये कामना करते हैं कि हमारी ECMS नित नए पायदानों पर, उन्नति के नित नए पायदानों पर हमेशा
अग्रसर रहे और बच्चों के हित में इसी तरह से अपने टीचर्स और अपने जो भी लोग हैं साथ में उनके कार्यकर्ता, उनके माध्यम से लगातार बच्चों को ऊंचाइयों पर पहुंचाती रहे। धन्यवाद।